गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस चैप्टर का ये एक पैसेज डिस्कस करेंगे, किस टाइप के पैसेजेस आपके आ सकते हैं पेपर में। तो ये हम सबसे पहले रीड करेंगे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। But now, it was also still I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine now. I blushed and how frightened I was. तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। तो हमने चैप्टर रीड किया, चैप्टर कौन सा है। द चैप्टर नेम इज लास्ट लेसन, जो कि किसने लिखा है, अल्फोंस डोडक ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी था। दूसरा है, हु इज आई रेफर टू दीज लाइन्स। आई मतलब हमने पैसेज रीड किया है, आई सॉ माई क्लासमेट्स आई हैड टू ओपन द डोर। ये कौन बोल रहा है, आई कौन है इसमें, फ्रेंड्स है जो कि हमारा ऑथर था। दीज लाइन्स आई मतलब हमने पैसेज यूज किया है, आई सॉ माई क्लासमेट्स आई हैड टू ओपन द डोर। ये कौन बोल रहा है, आई कौन है इसमें, फ्रेंड्स है जो कि हमारा ऑथर था, जो कि ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्कूल सीन एज इट वर संडे मॉर्निंग। स्कूल ऐसे क्यों लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है, क्योंकि उस दिन क्या थी, मैंने स्टोरी में आपको बताया था, उस दिन स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा साइलेंस थी और क्वाइटनेस थी, तो इसलिए क्या लग रहा था कि वो संडे मॉर्निंग है। और व्हाट वाज एम हैमल डूइंग व्हेन फ्रेंच एंटर द रूम। जब फ्रेंच रूम के अंदर घुसा तो एम हैमल क्या कर रहे थे, ये इसके अंदर लिखा, एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द रूम व्हेन फ्रेंच एंटर द रूम। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर। ये पूरा भी लिख सकते हो आप अगर ज़्यादा मार्क्स में आता तो। अब है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कन्फ्यूजन एंड नॉइस। तो यहाँ जो था वर्ड हसल एंड बसल का मतलब होता है शोर शराबा, तो बसल का मतलब नॉइस का मतलब हुआ बसल, और कन्फ्यूजन का मतलब है कमोशन। तो ऐसे आपसे ऑपोजिट वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं और सेम वर्ड्स भी, तो इसलिए आप इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी एक बार रीड कर लें। ये था पैसेज, बाकी आप पूरा चैप्टर रीड कर लें। अब कल हम क्वेश्चंस करेंगे।